हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कंप्यूटर जो आर्किटेक्चर सिलेबस है वो हमने शुरू किया हुआ है। सो आज हम उसी के MCQ लेके आए हैं। गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हम MCQ वाइट बोर्ड के ऊपर करते तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा होता, इसलिए हमने PDF को आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा के इसी से हम आज वीडियो बनाएंगे और इसी से आपको बताएंगे इसके MCQ। ठीक है। सो गाइस, जिसने भी ये हमारे पिछले कंप्यूटर आर्किटेक्चर के सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं, 4 टॉपिक हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर किए हैं, अच्छे से डिटेल से हर एक चीज़ को हमने पढ़ा है, जिन्होंने भी ये चीज़ें चारों के चारों टॉपिक पढ़े हैं, उनके लिए आज क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल ही बड़े आसान रहने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आए हुए हैं और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हुए सारे के सारे कहीं ना कहीं हर एक पेपर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर वाली बुक से सारे के सारे क्वेश्चन उठाए हुए हैं। ठीक है। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द डाटा इन द कंप्यूटर गो थ्रो, कि कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है वो गो थ्रो यानी कि आगे पीछे जो जाता है वो कहाँ से जाता है, क्या वो रैम से जाता है, क्या वो CPU की वजह से जाता है, यानी कि क्या वो रैम के रास्ते से जाता है, जो जिस रास्ते से जाता है उसको रैम बोलते हैं, CPU बोलते हैं, बस या नन ऑफ दिस। अगर आपने हमारे नोट्स बनाए होंगे, अपने अच्छे से क्लास पढ़ी होगी, तो मैंने आपको बताया था कि जो जैसे मान लीजिए 2 हमारे चिप हैं, अगर इन चिप से जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो किसकी वजह से, वो किसके थ्रू होता है, वो बसेस के थ्रू होता है, आप सभी को बताया था मैंने। तो उसी हिसाब से हमारा जो आंसर रहने वाला है वो सी आपका राइट आंसर रहेगा, दैट इज़ बस। ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ए माइक्रो प्रोसेस इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज, कि जो माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है, वो क्या था, कि वो उसको हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं और हम किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना था। तो इसके ऑप्शन मैं आपको बता दूँ, इसके ऑप्शन है, क्या इसको माइक्रोचिप बोलते हैं, क्या मैक्रोचिप बोलते हैं, कैलकुलेटर या सॉफ्टवेयर बोलते हैं। सो गाइस, जब मैंने आपको बताया था माइक्रो प्रोसेस जो IC मैंने बताया था, इसी को हम CPU बोलते हैं, आगे काफ़ी सारे मैंने आपको नाम बताए थे, 5-6 नाम बताए थे, तो उसी से क्वेश्चन ये वाला बन गया कि बताओ माइक्रो प्रोसेसर को या फिर ब्रेन ऑफ कंप्यूटर जो हमारा CPU है उसको हम और किस नाम से जानते हैं या और किस नाम से उसको बुलाते हैं। तो आपका आंसर रहेगा माइक्रोचिप। ठीक है। आपका आंसर इसमें क्या रहने वाला है, माइक्रोचिप। ये ध्यान रखना कि माइक्रोचिप अलग है और मैक्रोचिप अलग है। ठीक है। तो इसलिए आपको ये कन्फ्यूज़ भी जहाँ पे कर सकता था, कैलकुलेटर नहीं बोलते हैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ओनली देख सकते हैं, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, बट आपका आंसर जो रहेगा वो क्या था, माइक्रोचिप। गाइस, आपको इस तरह से क्वेश्चन आपके 25 से 30 तक क्वेश्चन होंगे, बट इस तरह से करवाए जाएंगे कि ताकि आपकी जितना भी हमने एक टॉपिक कंप्यूटर आर्किटेक्चर में पढ़ा है उसमें आपके मैक्सिमम हर एक क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएं। क्लियर है। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद, जो मेन मेमोरी है वो किसके साथ मिलके काम करती है। सो मेन मेमोरी वर्क्स इन कंजक्शन विद, जो मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि मेन मेमोरी जो है वो किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मेन मेमोरी मैंने आपको क्लास में बताया था जो है वो रैम को कहते हैं। तो रैम जो है वो अपना डाटा किसके साथ शेयर करती है, तो आपको ऑप्शन में क्या क्या बताया हुआ है, क्या वो अब किसके साथ, क्या वो स्पेशल कोई फंक्शन कार्ड है या फिर कोई रैम के साथ या CPU के साथ, रैम तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि भाई रैम ही तो मेन मेमोरी है, तो स्पेशल फंक्शन कार्ड तो ये भी नहीं हो सकता, नन तो हो नहीं सकता, तो आपका आंसर क्या रहेगा, CPU, दैट इज़ सेंट्रल प्रोसेस यूनिट के साथ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोई भी अगर आपके पास इनपुट है, इनपुट कहाँ पे आता है, कोई भी हार्ड डिस्क से मिला हुआ आपको इनपुट, पहले वो मेन मेमोरी में आता है, मेन मेमोरी में आने के बाद आपका कहाँ जाता है, आपका CPU के पास आता है। तो किसके साथ कंजक्शन हुई इसकी, मेन मेमोरी के साथ हुई ना, तो ऑप्शन में क्या था आपका, CPU, दैट इज़ CPU इज़ योर राइट आंसर रहने वाला है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। सो गाइस, आज का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, द प्राइमरी गोल ऑफ कंप्यूटर इज टर्न डाटा इनटू, कि जो प्राइमरी गोल, सबसे पहला जो कार्य जो होता है कंप्यूटर का, वो डाटा को किस में कन्वर्ट करता है,
वो डाटा को किस में कन्वर्ट करता है, क्या डाटा को आइडिया में कन्वर्ट करता है या सजेशन में करता है, इन्फॉर्मेशन में या इसमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन जो आंसर रहेगा वो दैट इज़ योर इन्फॉर्मेशन, कि डाटा जो भी आपको मिलता है इनपुट के रूप में वो आपको एक सॉल्व करके उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ प्रोवाइड करता है, जो आपको मोनिटर के ऊपर शो होती है इन्फॉर्मेशन। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है अर्थमेटिक ऑपरेशंस। जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं वो कौन कौन से हैं, क्या इन्वॉल्व मैचिंग वन डाटा आइटम्स टू अनदर, इसका क्या जो अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या ये है, सॉर्ट डाटा आइटम अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड ये है, या फिर इंक्लूड ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। सो गाइस जब मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक में कौन से आते हैं, मैथमेटिकल साइन, तो मैथमेटिकल साइन तो यही होंगे ना, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, तो यही आपका राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवीजन वाले। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, वंस इंफॉर्मेशन इज इनपुट इनटू ए कंप्यूटर इट बिकम्स, कि जब आपकी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर इनपुट की जाती है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर इनपुट की जाती है तो वो आपके कंप्यूटर में क्या बन जाता है, तो वो आपके कंप्यूटर में बन जाता है डाटा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में बताया कि इन्फॉर्मेशन से डाटा बनता है और डाटा से फिर से आपकी आउटपुट निकलता है तो वो क्या बन जाती है, फिर से इन्फॉर्मेशन बन जाती है जो कहाँ आपको शो होती है, मॉनिटर के अंदर। ठीक है, आपकी क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, द कंप्यूटर्स प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है, जो आपका कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है मेन आपका, जो जिसको आप अपनी लैंग्वेज में CPU बोलते हो, ठीक है, उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन हैं CPU एंड मेमोरी, मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क, मेन मेमोरी एंड स्टोरेज, या फिर कंट्रोल यूनिट एंड ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो गाइस जैसे कि आप बता दूं कि ये मेन मेमोरी जो है ये मदरबोर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ना कि CPU के अंदर, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि प्रोसेसर ही तो CPU कहलाता है, तो उसके अंदर की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क ये भी बाहर ही होती हैं क्योंकि ये मदरबोर्ड के ऊपर, तो मेन मेमोरी तो अभी बताया नहीं हो सकती, तो आपका क्वेश्चन क्या रहेगा, यही कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सो गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जैसे आपका, ये आपका CPU था, CPU कितने 3 पार्ट में डिवाइड हुआ था, पहला आपको बोला था कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या था आपका, मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो आपका ये पूछा हुआ था कि जो आपका प्रोसेसर है वो किस किस से है, तो आपको ऑप्शन में ये दोनों मिले हुए थे, तो यही आपका आंसर रहेगा। अगर ये तीसरा भी होता तो भी आपका यही आंसर रहने वाला था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CU। देखो अभी यहाँ पे आ गया, ऊपर से क्वेश्चन यही रिलेट हो गए नीचे, कि CU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल यूनिट, सेंट्रल यूनिट, कंट्रोल अप, या फिर नन। तो आपकी अभी बताया कंट्रोल यूनिट, यहाँ पे भी मैंने आपको बता दिया था, तो इसका आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट इज योर राइट आंसर रहने वाला है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, कंट्रोल यूनिट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MAR। सो गाइस MAR का पहले आपको बता दूँ, एक सेकेंड रुकिए गाइस, MAR के लिए मैंने आपको बताया था जैसे कि पूरी एक CPU को जब मैंने ड्रा किया था, जब मैंने पूरे CPU को ड्रा किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी ALU होता है, यहाँ पे आपका होता है कंट्रोल यूनिट, वो जो सीधा आपका कहाँ होता है, मेन मेमोरी के साथ, ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे मेन मेमोरी के साथ जो अटैच होता है आपका कंट्रोल यूनिट, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर्स बताए थे काफ़ी सारे, ठीक है, एक यहाँ पे था MAR, यहाँ पे MDR था, यहाँ पे GPR था, यहाँ पे वो था PC था, ठीक है, प्रपोज कंट्रोल, ठीक है, जो भी था, और इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे MAR भी बताया था, और उसी की यहाँ पे अब क्या आ गई है,
फुल फॉर्म आ गया कि एम ए आर के फुल फॉर्म क्या है। तो भाई एम ए आर की जो फुल फॉर्म थी, अगर आपको आपने अच्छे से उसको नोट डाउन किया होगा, तो इसकी एम ए आर की फुल फॉर्म थी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। सो गाइस, आपसे यही एक सजेशन रहेगी मेरी कि अगर आप एम सी क्यू करना है तो आप पहले, तो अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की, तो आपको पहले उसकी वीडियो देखनी होगी। देखने के बाद ही आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा भूल भी गया, तो पहले आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करके एमसीक्यू करोगे तो ही आपको 100% फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। सो गाइस, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विच लॉजिक गेट इज़ नोन एज इन्वर्टर, कि कौन सा लॉजिक गेट को इन्वर्टर बोलते हैं। तो सो गाइस, इसका भी मैंने आपको कंसेप्ट अच्छे से बताया था कि इन्वर्टर का काम क्या होता है, कि वो आपके, जैसे कि अगर आपका यहाँ पे लॉजिक गेट लगा हुआ है, जैसे आपके घर का इन्वर्टर है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ऐसे ही अगर आपका यहाँ पे एक लॉजिक गेट है वो क्या करता है कि अगर इधर से इनपुट आ रहा है, इसको कन्वर्ट करके इधर से, सॉरी, अगर यहाँ से वैल्यू, एक सेकेंड, अगर यहाँ से वैल्यू आपकी 1 आ रही है, तो इधर से आपको कन्वर्ट होके क्या मिल जाएगी, 0। अगर इधर से वैल्यू 0 आ रही है, इधर से कन्वर्ट करके क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। तो ये काम किस लॉजिक गेट का होता है, तो ये काम होता है आपके नॉट वाले लॉजिक गेट का, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर क्यों, क्योंकि जैसे आपके घर का इन्वर्टर है वो क्या करता है, आपके एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन में देखें कौन कौन सा ऑप्शन था आपका। ऑप्शन में था नॉर गेट, एंड गेट, नॉट या फिर और। तो आपका कौन सा ऑप्शन रहने वाला है, नॉट इज़ योर राइट आंसर। नॉट ही आपका इन्वर्टर वाला जो लॉजिक है वो आपको बताता है, ठीक है, इन्वर्टर का काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, विच सेट ऑफ रजिस्टर इज नोन एज, सॉरी, द सेट ऑफ रजिस्टर इज नोन एज, कि जो रजिस्टर्स के सेट हैं वो क्या कहलाते हैं आपके, ठीक है। सो गाइज, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जो सबसे पहले जो सबसे छोटे वाली यूनिट आती है उनको हम बोलते हैं, एक सेकंड, मैं यहाँ पर नीचे बता देता हूँ, जो सबसे छोटे वाली यूनिट है उसको हम बोलते हैं लॉजिक गेट्स, यहाँ पे लिखते हैं, उसको बोलते हैं लॉजिक गेट्स। इन्हीं लॉजिक गेट से मिलकर बनती है आपकी क्या, एक फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप का क्या मतलब होता है, जो एक सिंगल बिट का डाटा स्टोर करती है, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप, जो काफ़ी सारे फ्लिप फ्लॉप मिलकर ही आपकी क्या बनाते हैं, रजिस्टर। और इन्हीं रजिस्टर के सेट को हम बोलते हैं मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट कहाँ लगी होती है आपकी, सीपीयू का ही एक जो अलग से पार्ट है, ठीक है, ये आपकी मेमोरी यूनिट कहलाती है। तो यहीं पे आपका क्वेश्चन आया हुआ था कि सेट ऑफ रजिस्टर्स, जो रजिस्टर्स के सेट हैं उसको क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे उसको, उसको आप बोलोगे मेमोरी यूनिट। क्या बोलेंगे, मेमोरी यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट नहीं बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट जो है जो आपके सीपीयू को पूरा कंट्रोल करती है, बट इसका जो रजिस्टर का सेट है वो आपका क्या कहलाता है, मेमोरी यूनिट इज़ योर राइट आंसर, ठीक है। सो गाइस, आगे हम क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, हाउ मैनी पिंस आर देर इन ए गेम बोर्ड। सो गाइज, मैंने आपको जब मदरबोर्ड के बारे में बताया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, और अलग अलग पोर्ट्स के अंदर अलग अलग पिंस होती हैं। तो इसके ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, ये हैं इसके ऑप्शन कि कौन सा पोर्ट था, गेम पोर्ट, ठीक है। गेम पोर्ट के अंदर कितनी पिंस होती हैं, तो ये तो सीधा सीधा याद रखने वाली बात थी। तो कितनी पिंस होती हैं आपकी, 15 पिंस होती हैं इसकी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 15 पिंस इज योर राइट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विच इज़ कॉमनली यूज्ड इनपुट, जो कॉमनली यूज्ड किया जाता है इनपुट वो कौन सा है, क्या वो मॉनिटर है, क्या वो स्टाइलस है, क्या वो कीबोर्ड है, या इनमें से कोई नहीं है। भाई अगर मैं आपको बताऊँ, जो मॉनिटर है ये तो एक आउटपुट है, तो इसलिए ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। स्टाइलस भी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमनली यूज्ड का मतलब जो आमतौर पे हम यूज़ करते हैं, तो वो आपका आंसर क्या रहेगा, कीबोर्ड आपका आंसर रहने वाला है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बिट रेफर्स टू, जो बिट है,
एक बिट जो है वो किसको रेफर करता है, तो आपका ये एक बिट जो है ये रेफर करता है आपका बाइनरी डिजिट को, ठीक है। ध्यान से देखना, बाइनरी डिजिट ही है, इसके आगे पीछे काफ़ी सारे ऑप्शन आ सकते हैं, बट आपने किसी को भी लगाना नहीं है। आपका जो सही से बिट का मतलब है वो है आपका बाइनरी डिजिट। क्लियर है यहाँ तक? सो गाइस बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, आईसी चिप फॉर कंप्यूटर आर मेनली मेड ऑफ, जो आपकी आईसी चिप है जिसको आप सीपीयू भी बोलते हो वो किससे बनी होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है, तो वो आपकी आएगा, आपका आंसर रहने वाला है सिलिकॉन। किससे बनती है वो? सिलिकॉन से बनती है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, विच सर्किट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ डाटा, कि कौन सी सर्किट है जिसमें आप एक बिट का, सिंगल बिट का डाटा स्टोर करते हो, ठीक है। तो अगर आपको फ्लिप फ्लॉप की मैंने डेफिनेशन भी अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, पिछले कुछ क्वेश्चंस में, तो वैसे क्लास में मैंने आपको बताया कि फ्लिप फ्लॉप ही एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर सिंगल बिट का डाटा स्टोर करती है, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है? फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। सो गाइज ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर से उठाए गए हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, विच इज़ द फॉलोइंग इज नोन एज इज नॉट अ लॉजिक ऑपरेटर्स, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो अलॉजिकल ऑपरेटर्स नहीं है। गाइज आपको मैंने बताया था कि लॉजिक गेट्स कितने हैं, 7 हैं, तो 7 के साथ आपको नाम भी बताए थे, अब उसमें से देखना है कि इसमें से कौन सा है जो लॉजिक गेट नहीं है। तो एंड भी था, नॉट भी था, बट ऐड नहीं था, नॉर भी था, नॉट आफ्टर आर इसका मतलब होता है, बट ऐड आपका नहीं था, तो इसलिए आपका ऐड ही आपका आंसर रहने वाला है, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन सा लॉजिक गेट इसमें से नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, द बेसिक एप्लीकेशन ऑफ एन एंड गेट इज फॉर, कि जो बेसिक एप्लीकेशन जो आपको बूलियन एक्सप्रेशन मैंने करवाया था, ठीक है, लॉजिक का एक्सप्रेशन जो मैंने बताए थे, जो एंड गेट का सबसे पहले वाला ही आपको लॉजिक बताया था, उसका मतलब क्या है, क्या उसका मतलब जो डिवीजन करना होता है, क्या उसका मतलब एडिशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, या मल्टीप्लिकेशन है। गाइज मैंने आपको जब इसकी एक्सप्रेशन और डायग्राम भी मैंने जब आपको बताई थी कि एंड गेट की जो डायग्राम्स होती है वो क्या होती है, जैसे कि दो इनपुट आ रहे हैं तो उसकी जो डायग्राम है, एक सेकंड, जैसे कि दो इनपुट मिलते हैं उसको, और इस तरह से कुछ आपको डायग्राम बनाई थी कि एक आउटपुट है, जैसे दो इनपुट हैं और एक आपको आउटपुट मिलेगा, तो इसका जो एक्सप्रेशन है, लॉजिक एक्सप्रेशन, वो क्या कहता है कि ए डॉट बी इक्वल्स टू सी। अब ए डॉट बी का मतलब क्या है जहाँ पे, वो था मल्टीपल, कि अगर इसका 1 और दूसरा अगर 0 होगा ना तो भी 0 होगा, अगर 0 0 है तो भी 0 ही आएगा, अगर आपका दोनों के दोनों 1 आएंगे तो ही आपका रिजल्ट में आउटपुट 1 मिलेगा, ठीक है। सो गाइस इसका तो यही मतलब है ना कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 0 0 0 0 0, अगर 1 × 1 करेंगे तो ही आपको 1 मिलेगा, तो इसका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था आपका, वो था आपका ए डॉट बी इक्वल टू सी, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो गाइस यही था आपका क्वेश्चन यहाँ पे कि बेसिक एप्लीकेशन एंड गेट की क्या थी, मल्टीप्लिकेशन करना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका आंसर रहने वाला है, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, इन कंप्यूटर ALU स्टैंड फॉर, कंप्यूटर में जो ALU है उसकी वो किस उसकी फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो क्या था इसका, इसका था अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये तो हम पढ़ पढ़ के हमने एक तरफ से याद भी करवा दी हुई है, जिस तरह से मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए थे ना, साथ ही साथ जो आपकी फुल फॉर्म आ रही थी साथ साथ कर रहे थे, इससे हमारा ये फ़ायदा होता है कि आप एक के साथ मतलब धीरे धीरे करके आप सारी की सारी, जब आप उसको टॉपिक में पढ़ते हो तो सारी की सारी आपकी जो फुल फॉर्म्स हैं वो याद हो जाती हैं। ऐसे क्या होता है कि अगर आपको इकट्ठी लिखवा दूँ सारी तो आप इतनी आसानी से नहीं याद कर सकते हो, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ते हो उसमें बार बार उसका नाम आता है, उसको समझते हो तो ही आपको आसानी से याद होती हैं,
ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आज का आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ कंप्यूटर, कि इसमें से जो आपके चार ऑप्शन है इसमें से कौन सा कंप्यूटर का मेन सिस्टम बोर्ड है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मदर बोर्ड ही है जो कैबिनेट के अंदर आपको सिस्टम यूनिट बनाता है, तो आपका मेन बोर्ड क्या आएगा, मदर बोर्ड ही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, सीपीयू इज आल्सो नोन एज, सीपीयू जो है वो उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन एक पहले भी आई थिंक हमने किया था ऐसे वाला, तो क्या इसको आईसी, लॉजिक चिप, प्रोसेसर या फिर ऑल ऑफ दिस। सो गाइस ये सारे के सारे नाम सीपीयू के ही हैं, तो इसके लिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, सो गाइस आगे हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं, फुल फॉर्म ऑफ SMPS। ठीक है, SMPS की फुल फॉर्म क्या है। सो गाइस मैंने आपको बताया था SMPS का काम क्या होता है, कि जो आपके करंट को AC को DC में चेंज करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके कंप्यूटर को कौन सा करंट चाहिए होता है, DC, बट आपके घरों में कौन सा करंट चल रहा है, AC वाला। ठीक है, आपके घरों में चलता है AC का, बट इसको कन्वर्ट करता है किस में, DC में, यानी कि डायरेक्ट करंट में। तो ये काम करता है आपका SMPS, तो जिसकी फुल फॉर्म क्या थी, तो फुल फॉर्म इसकी थी स्विच मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर रहने वाला है, दैट इज स्विच मोड पावर सप्लाई इज योर राइट आंसर। ठीक है, सो गाइस क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम, यहीं तक ही क्वेश्चन है आपके। सो गाइज कैसी लगे आपको ये क्वेश्चंस, आपने कमेंट में भी बताने हैं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि हमें लगे कि आपको अच्छे से फ़ायदे मिल रहे हैं इसके। ठीक है, और भी आप अपने आसपास की बुक में इसके बेसिक या फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चंस कंप्यूटर आर्किटेक्चर के ऊपर बनते हैं, उनको आपने करनी है प्रैक्टिस। अगर कोई चीज़ आपको डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रही होगी। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक अलग टॉपिक लेके आएंगे, जिस तरह से हम इसके पढ़ रहे हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, हमने एक टॉपिक पूरा कंप्लीट किया है, उसी तरह से हम सारे के सारे टॉपिक इसी तरह से साथ साथ आपके क्वेश्चन भी आते जाएंगे, साथ साथ आपको टॉपिक भी क्लियर कराएंगे। ठीक है, सो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।